हेलो गाइज, स्वागत है आप लोगों का साइंस नॉलेज चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी गद्य खंड और उनके लेखक के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना। पहला पार्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना। दूसरा है बीस के दांत। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है नील विलोचन शर्मा। चलिए तीसरा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा गद्य है भारत से हम क्या सीखे। इस पार्ट की रचयिता है मैक्स मूलर। चलिए हम अपने चौथे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा पार्ट है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पार्ट की रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है पांचवा पार्ट है बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है अमरकांत। चलिए छठा पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा पाठ है परंपरा का मूल्यांकन। इसके लेखक हैं अमरकांत। परंपरा के मूल्यांकन इसके लेखक हैं अमरकांत। चलिए आठवां पाठ है हमारा जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसके लेखक हैं बिरजू महाराज। नवा पाठ है अभिनयो। इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। दसवां पाठ है मछली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसके लेखक का नाम हो जाएगा, मछली पाठ के लेखक का नाम हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। चलिए ग्यारह नंबर का है नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक है यतेंद्र मिश्र। चलिए हमारा बारहवां नंबर गद्य है शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। ये तो आप लोगों को याद ही होगा, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड